नेटो मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए इन चार बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहली, हमारी टीम हमारा आईना होती है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे मैं करूंगी वैसे मेरी टीम करेगी। आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना, मंकी सी मंकी डू। तो जैसे हम होते हैं वैसे हमारी टीम हो जाती है। अगर मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी तभी टीम ट्रेनिंग में जाएगी। अगर मैं घर पर से बैठ के कॉल कर दूं कि आप लोग उस ट्रेनिंग में पहुंच जाओ तो क्या टीम जाएगी? कतई नहीं जाएगी। तो पहले मुझे जाना होगा ट्रेनिंग में, सेमिनार में, मीटिंग में। अगर आप चाहते हो कि टीम होम मीटिंग ज़्यादा करे तो पहले वो खुद करना होगा, क्योंकि टीम हमारी परछाई होती है। दूसरी बात, बिजनेस लॉजिक से चलता है लेकिन लोग इमोशन से चलते हैं। हम गलती कई बार ये कर देते हैं कि हम कैलकुलेशन में फंसे रह जाते हैं, BVPV में फंसे रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअली लोगों के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हम उनके सुख के दुख के साथ उनके साथ खड़े होंगे। अगर परेशानी है तो जाकर उनके साथ बैठ के उनके कंधे पे हाथ रख के भी उनसे बात करेंगे ना, तो भी हमारी चीज़ें, क्योंकि हमारा ये बिजनेस इमोशन से चलता है ना कि लॉजिक से। हमेशा आप अगर कॉल करके बिजनेस बिजनेस की बातें करते हैं तो लोग आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर उनके घर में खुशी है तो उसकी बधाइयाँ दें। अगर कोई परेशानी है तो जाकर उनके साथ बैठकर बातें करें। हमेशा बिजनेस करने से क्या होता है कि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन अब जब आप अच्छे अपने रिलेशन बनाते हैं, कटूट बंधन के साथ अपने रिलेशन बनाते हैं, वो बिजनेस छोड़ देगा, कभी आपको नहीं छोड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट, हमेशा जो है उस पर फोकस करें, ना कि जो नहीं है उस पर करें। ज़्यादातर लीडर्स क्या करते हैं, टिकट्स ले लेते हैं। टिकट ली 50 और आपके लीडर आके सेमिनार में बैठे 30, तो हम उन 30 लोगों के लिए शुक्रगुजार नहीं होते, उन 20 लोगों के लिए रोना रोते हैं कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन आपको नहीं पता वो जो 30 लोग बैठे हैं वो उनसे कब 300 हो जाएंगे और कब 3000 हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो हमेशा जो है उनके लिए शुक्रगुजार रहो। जैसे गिलास में पानी है, आधा गिलास है, तो हम कई बार टेंशन में ले जाते हैं कि इसमें तो आधा गिलास है, अब वो जो आधा गिलास है वो भी तो प्यास बुझाएगा ना, तो उसके लिए शुक्रगुजार रहो। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी और चौथे पॉइंट पे। हमारे शब्द हमारा भाग्य तय करते हैं। जैसे कभी भी नेगेटिव टॉक ना करें। आपको बता दूं, अगर आप ये बोलते हैं ना कि मेरी टीम मेरी बात ही नहीं सुनती, तो आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं, कई लोगों के मुंह से सुना है ये लैग तो डेड है, तो वो बिल्कुल ही डेड हो जानी है। तो कभी भी नेगेटिव टॉक ना करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और अफर्मेशन पे काम करें। जैसा आप बोलोगे वैसे ब्रह्मांड में जाना शुरू हो जाएगा और वही तथास्तु होगा। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप गलत बोलेंगे तो आपके साथ गलत होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अपने बारे में अच्छे विचार रखें, क्योंकि आपके शब्द ही आपकी कहानी के रचयिता है। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपने इन पे फोकस किया तो कोई माई का लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। थैंक यू।